तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैप्टर 4 की चैप्टर वाइज एनालिसिस। आई होप अभी तक के तीनों चैप्टर की वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होंगी, आपने एंजॉय किया होगा, इन वीडियोस को गो थ्रू जरूर किया होगा, उनके साथ जो मैंने आपको शॉर्ट लिंक्स दिए हैं उनको जरूर देखा होगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन न्यूमेरिकल जरूर किए होंगे। तो चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक 1 है दैट इज बायोट सैवर्ट लॉ। बायोट सैवर्ट लॉ बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो वो लॉज हैं जो डिफाइन करते हैं, उसमें से बायोट सैवर्ट लॉ एमपीएस लॉ है, और उसके बाद उनके एप्लीकेशंस हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, उसके बाद लास्ट में अपना जो है गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉपिक 1 की अगर मैं बात करूं आपसे तो बायोट सैवर्ट लॉ में जो है ओस्टेड एक्सपेरिमेंट की थ्योरी, वो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा बायोट सैवर्ट लॉ क्या होता है, उसका वेक्टर फॉर्म क्या है, एलिमेंट क्या लेना है, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। परमिटिविटी, परमेबिलिटी और डिफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला थ्योरी के पार्ट है, 1-2 नंबर में कभी कभी पूछा हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना, थ्योरी है, सिंपल है, बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। जो टॉपिक 2 है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ, इसका एप्लीकेशन आना चाहिए यार। एप्लीकेशन ऑफ बायोट सैवर्ट लॉ है कि कुछ डेरिवेशन करने हैं भाई, कि भाई लाइन वायर है उसकी वजह से फील्ड निकालनी है, आर्क के सेंटर पे फील्ड निकालनी है, रिंग की एक्सिस पे फील्ड निकालनी है, इन सारी बातों को आपको थोड़ा सा अच्छे से डेराइव करके एक एक बार पेन चला के देखना होगा। वैसे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है डेरिवेशन वीडियोस का, तो उनके थ्रू आप जाएं और इनका डेरिवेशन एक बार खुद से करें। जी हाँ, आपको खुद से ये डेरिवेशन एक बार करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा स्केचिंग भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सब एलिमेंट्स की वजह से, चाहे वो लाइन वायर हो चाहे जो भी हो, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, उनका डायग्राम कैसा होगा, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इनको कर लेंगे, कोई मुश्किल सी बात नहीं है। टॉपिक 3 जो है एमपीएस सर्किटल लॉ, एमपीएस सर्किटल लॉ के भी एप्लीकेशन और ये लॉ खुद में, ये खुद में लॉ इंपॉर्टेंट है, म्यू जो इसे कहते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो ये लॉ खुद में भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका एप्लीकेशन स्पेशली जो इसका एप्लीकेशन है सोलेनाइड और टोराइड के केस में, सोलेनाइड और टोराइड के केस में बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कई बार सवाल रिपीटेड है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाएंगे तो कई बार आपको ये सवाल मिलने ही वाले हैं। और 1-2 बार इन्होंने लॉन्ग सिलेंडर और इनफाइनाइट वायर का भी एप्लीकेशन पूछा हुआ है, स्पेशली टोराइड और सोलेनाइड पर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस इनके आपको पूरी तरह से कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए, मेमोराइज होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, भूलना मत इन चीजों को, ठीक है। बाकी वीडियोज में लिंक तो मिला ही है आपको। और इसके बाद टॉपिक 4 जो है वो लॉरेंस फोर्स है। लॉरेंस फोर्स यार मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो कम्बिनेशन है वो इंपॉर्टेंट फोर्स है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके 2 एप्लीकेशन हैं, एक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज और दूसरा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज की मैं बात करूं तो 3 वैरायटी है उसमें। अगर चार्ज की स्पीड पैरेलल हो, चार्ज की स्पीड परपेंडिकुलर हो और चार्ज की स्पीड कोई भी किसी एंगल थीटा पे हो, तो उसके पाथ फॉलोड, किसी में स्ट्रेट लाइन होगा, किसी में सर्कुलर मोशन करेगा, किसी में हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, उसकी पिच क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, रेडियस क्या है, आपको कुछ कुछ बातें याद भी आ रही होंगी, तो उन सबको मैंने शेयर भी किया है और आपके पास नोट्स भी अवेलेबल है, तो उनको जरूर से पढ़ना, क्योंकि बहुत सवाल पूछे हैं इस पर, बहुत। और एक अच्छी बात बताऊं तो चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे गए हैं, स्पेशली एक इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, प्रोटॉन को भेज दिया, न्यूट्रॉन को भेज दिया, कौन पहले आएगा, कौन लंबा टाइम स्पेंड करेगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। पाम रूल का यूज इंपॉर्टेंट है, 1 एम्पियर की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर है IBL वाला फोर्स, उसमें 1 एम्पियर की जो डिफिनेशन है ना, वो एक इंपॉर्टेंट रोल है भाई। हर एक सवाल जो भी पैरेलल वायर्स के बीच में करंट निकालने वाला डेरिवेशन किया होगा, 2 पैरेलल वायर्स हैं, करंट निकालना कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा, उसमें जो 1 एम्पियर की डिफिनेशन निकल के आती है, वो दोनों डेरिवेशन और डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक पूरा का पूरा खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप मान के चलें तो 50-60% वेटेज ऑफ दिस चैप्टर गोज टू दिस टॉपिक दैट इज लॉरेंस फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे है, तो इसको आप रटें, समझें और इसके न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करें। टॉपिक 5 साइक्लोट्रॉन जान है, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता साइक्लोट्रॉन के बिना इस चैप्टर में। साइक्लोट्रॉन 5 नंबर में भरे रहते हैं, उसके प्रिंसिपल, उसके वर्किंग, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कह लो, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कह लो, रेजोनेंस क्या होता है, चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में कैसे घूमते हैं, डीज क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूजेस एंड लिमिटेशन क्या है साइक्लोट्रॉन के, इन सबको बहुत बहुत डीपली जाके पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन, लॉरेंस फोर्स, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भले ही और टॉपिक्स पे कॉम्प्रोमाइज मारो, बट इस पे कॉम्प्रोमाइज मत करना। टॉपिक 6 है मैग्नेटिक मूवमेंट और टॉर्क। सिंपल सा कुछ फॉर्मूले हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना, डेराइव करना मैग्नेटिक मूवमेंट, और टॉर्क निकालना होना रेक्टेंगुलर लूप, जिसके एप्लीकेशन आगे आएंगे गैल्वेनोमीटर में, टॉपिक 7 जो कि अपना गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को पढ़ लेना, क्योंकि जैसे मैंने बोला साइक्लोट्रॉन जान है, तो समझ लो गैल्वेनोमीटर भी इसकी क्या है, जान।
मतलब इसेंस है दोनों चैप्टर के. चैप्टर में तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहला है जो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ है, दूसरा है साइक्लोट्रॉन और तीसरा है गैल्वेनोमीटर. तो यार गैल्वेनोमीटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ. गैल्वेनोमीटर में सब कुछ इंपॉर्टेंट है. स्पेशली अगर मैं शॉर्ट डाउन करूँ, जॉल डाउन करूँ, तो सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, उसका यूज़ क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, सॉफ्ट आयरन कोर को क्यों इंसर्ट कराते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर, कन्वर्ट कैसे करते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में, साथ में इनकी इक्वेशन, ये सारी बातें आपको एक टू जेड याद होनी चाहिए. मैंने वीडियोस में इसको समझाया हुआ है, बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है. तो इसके गो थ्रू जरूर करना, इन तीनों टॉपिक्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना, चैप्टर आपका अपना होगा. तो ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक तो कर ही दिया है आपने, सब्सक्राइब भी कर ही चुके हो, पहले ही कर दिया है तभी तो वीडियो आप देख रहे हो, और लोगों को भी शेयर कर दो यार, फैला दो, और का भी भला हो जाएगा. तो इस वीडियो को देखने के लिए और लोगों को भी बुलाओ, इनवाइट करो उनको, ठीक है, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, कहीं भी शेयर करो, लेकिन और लोगों का हेल्प करो. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए.